तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्क्रीनशॉट के बारे में बताऊंगा जो एकदम लाइट है और एकदम बेस्ट है। जो अभी तक का जितने भी स्क्रीनशॉट भी मैंने डाउनलोड किए हैं उन सब में सबसे बेस्ट स्क्रीनशॉट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे सर्च बार में आप लाइट शॉट इंटर करिए। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला लाइट शॉट आ गया है और यहाँ पे मैं इसका जो वेबसाइट है लाइट शॉट स्क्रीन शॉट टूल फॉर मैक एंड विंडो, ये फर्स्ट वाले पे हमको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए लाइट शॉट का एक पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर मैक। तो आपका जो भी है, आप विंडो यूज करते हैं या मैक यूज करते हैं, उसी हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडो यूज करता हूँ। चलिए मैं विंडो पे क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड करने के लिए। तो विंडो पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए हमारा लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड हो रहा है और ये बहुत छोटी फाइल है। ये देखिए डाउनलोड हो गया जल्दी से। तो इस पे चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद ये देखिए पॉपअप आ गया है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज द योर डिवाइस, और यस हमको अलाउ करना। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये देखिए हमारा लैंग्वेज पूछ रहा है तो हमको इंग्लिश पे ही रहने देना है और हमको फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको वहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसको देख के उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और दूसरा है आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो हमको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है जो कि बाय डिफॉल्ट आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक रहता है। तो हमको इस पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन इनेबल हो गया है, तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रिपेयर द इंस्टॉल एंड उसके बाद नीचे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली क्लोज द एप्लीकेशन एंड डू नॉट क्लोज द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्लिक है ऑटोमेटिकली क्लोज द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमको चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए सेटअप बॉक्स पे इसको हमको फिनिश पे क्लिक कर देना है। लिख के आ गया है थैंक यू, लेट्स स्टार्ट यूजिंग लाइट शॉट राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में देखिए लिखा है प्रिंट स्क्रीन, प्रेस प्रिंट स्क्रीन की ऑन योर कीबोर्ड। और उसके बाद सेकंड है क्लिक द ड्रैग एंड कर्सर टू सेलेक्ट एन एरिया टू द राइट। उसके बाद थर्ड है अपलोड एन इमेज एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट पे प्रेस प्रिंट स्क्रीन की ऑन योर कीबोर्ड, कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन बटन पे ये इनेबल हो चुका है। तो चलिए इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। हम चलिए प्रिंट स्क्रीन वाली बटन को क्लिक कर देते हैं। सिलेक्ट एरिया इसमें दिखा रहा है, चलिए मैं देखिए सिलेक्ट एरिया में क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक पेन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो इसमें प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आप यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एरो देने की जरूरत है आप यहाँ पे एरो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसको आप अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे नीचे से डिलीट कर सकते हैं और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। चल मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए येलो कलर से लाइन खींच सकते हैं कुछ भी करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर एरो देना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए एरो आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आप लिख भी सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे है टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कुछ भी ठीक आप यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो पूरा एडिट और उसका ऑप्शन था। यहाँ पे देखिए बीच वाला मैं बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप अलग से एक ट्राइंगल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड वाले से आप इसको शेयर कर सकते हैं, गूगल पे भी शेयर कर सकते हैं और इस फाइल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कंट्रोल एस सेव हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी हो गया, यहाँ पे कंट्रोल पी प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सर्च सिमिलर इमेज ऑन गूगल, कंट्रोल जी कर देंगे तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा है शेयर ऑन सोशल नेटवर्क और उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला है अपलोड द प्रिंट स्क्रीन डॉट कॉम कंट्रोल डी से। तो चलिए इसको मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए अपलोड इमेज और ये आपको एक लिंक बना के दे देगा। आप इसको लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और
इसको आप कहीं पर रख सकते हैं फाइल को, और अगर इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आप उसको भेज सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट का यूज किया है उसमें से सबसे बेस्ट हमको स्क्रीनशॉट लगा है, ठीक है। और ये बहुत ही कम MB का है, और अगर आपको इस कर्जर के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको कर्जर डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा आप कर्जर के। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।